मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार लोकसभा में हंगामा। बड़ी खबर यह है कि हंगामे की वजह से लोकसभा के स्पीकर नाराज हो गए हैं। कल विपक्ष के नेता नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए थे और स्पीकर की ओर पर्चे फेंके गए थे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस पर स्पीकर नाराज है। ओम बिरला इससे आहत है। उनका कहना है कि सदन में मर्यादा कायम करना सबकी जिम्मेदारी है। जब तक अनुशासन बहाल नहीं होता वो अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उन्होंने साफ तौर से ये बात कह दी है। लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे को लेकर जबरदस्त हंगामा विपक्ष कर रहा है और उसके बाद इस तरीके से ओम बिरला का कुर्सी पर बैठने से इनकार। बिल्कुल, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या है पूरी खबर? ओम बिरला नाराज हो गए हैं बताया जा रहा है। या बिल्कुल, देखिए शरीन, ओम बिरला इस बात से खासे नाराज हैं कि सदन की जो गरिमा है, अनुशासन है, उसको बार बार तार किया जा रहा है सदस्यों की तरफ से। और कल जब ये बार बार हुआ, वेल में विपक्ष के तमाम नेता आ गए, पर्चे फाड़ के चेयर की तरफ फेंके गए, तो इस बात से खासे नाराज हैं ओम बिरला। और उन्होंने पक्ष विपक्ष के बड़े नेताओं को बुला के, फ्लोर लीडर्स को बुला के ये बात बता दी है कि तब तक असेंबली पर नहीं बैठेंगे, लोकसभा अध्यक्ष कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक कि सदन में अनुशासन पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाता है। और यही वजह रही कि आज लोकसभा अध्यक्ष संसद भवन पहुंचे हुए हैं, अपने चैंबर में हैं, लेकिन उन्होंने एक भी बार लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर ग्रहण नहीं किया है। उन्होंने और साफ इस बात की ओर ताकीद कर दिया है, खासतौर पर विपक्ष के नेताओं को, कि सदन अनुशासन से चलेगा, अनुशासन में रहना, गरिमा में रहना सबके लिए जरूरी है और तब तक वो कुर्सी ग्रहण नहीं करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो सदस्यों की, सांसदों की जो रवैया था उससे नाराज हो गए हैं ओम बिरला। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।